दोस्तों, तकनीक के मामले में भारत लगातार दूसरे देशों को टक्कर दे रहा है। आज अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश भारत की बढ़ती तकनीक को देखकर हैरान हो रहे हैं, क्योंकि वो ये कभी नहीं सोच सकते थे कि वो ऐसा कुछ कर देगा। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भारत बहुत जल्द अपनी रेल की पटरियों पर टिल्टिंग ट्रेनों को उतारने की तैयारी कर रहा है, जो ट्रेनों के इतिहास को बदलने का काम करेंगी। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये टिल्टिंग ट्रेन क्या होती है। अब तक वंदे भारत ट्रेन के बारे में सुना है, शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में या फिर बुलेट ट्रेन के बारे में आपने जाना है, लेकिन टिल्टिंग ट्रेन के बारे में कभी नहीं सुना है। वहीं मीडिया में ये खबरें भी लगातार बनी हुई हैं कि भारत को साल 2025 तक पहली टिल्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी जिज्ञासा को पूरी करते हुए हम आपको इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि भारत की सरकार यहां की वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी कर रही है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो चलिए दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत में रेलवे को आम लोगों की जीवन की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए ट्रेवल करते हैं। इन सबको देखते हुए पिछले कुछ सालों में रेलवे ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव है वंदे भारत ट्रेन। केंद्र की मोदी सरकार की ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन आज पूरे देश पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। अब तक देश भर में 4 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट कर रही है। वहीं अब कुछ दिनों पहले ही रेलवे ने देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेन देश के दक्षिणी इलाके चेन्नई से मैसूर के बीच चलेगी। ये ट्रेन 497 किलोमीटर का सफर केवल 6 घंटे 40 मिनट में तय कर लेगी। ऐसे में ये वंदे भारत 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूरा रास्ता तय करेगी। वहीं अब कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत को साल 2025-26 तक देश की पहली टिल्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ टिल्टिंग ट्रेन का मतलब यह है कि वंदे भारत ट्रेन को टिल्टिंग टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। ये एक तरह की तकनीक है जो वंदे भारत ट्रेन को और बेहतर बनाएगी। ये तकनीक किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस तकनीक से लैस ट्रेन भारत में करीब 100 होंगी। वैसे तो केंद्र सरकार का टारगेट 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का है, लेकिन उनमें से करीब 100 ट्रेनें टिल्टिंग तकनीक पर आधारित होंगी। दोस्तों, टिल्टिंग का मतलब है कि झुकी हुई ट्रेन। जब हम किसी गाड़ी से सड़क पर ड्राइव करते हैं और जब कोई घुमावदार या फिर कर्व जैसे रास्ते से गुजरते हैं, तो हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही ट्रेन के साथ भी होता है। जब घुमावदार या कर्व जैसे रास्ते से ट्रेन गुजरती है तो अपनी स्पीड कम कर लेती है, लेकिन दोस्तों, हमारा रेलवे चाहता है कि इस तरह के रास्ते पर ज्यादा स्पीड कम ना हो। इसके लिए टिल्टिंग टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। इसके बाद जब ये वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन इन रास्तों से गुजरेगी, तो वो बहुत कम स्पीड किए बिना ही अपना सफर तय करेगी। इसके साथ ही जब सामान्य ट्रेन किसी घुमावदार ट्रैक पर अचानक से मुड़ती है, तो यात्रियों को सहारा लेना होता है। जैसे कि अगर ट्रेन लेफ्ट की ओर मुड़ेगी तो यात्री राइट की तरफ झुक जाते हैं, जिससे कई बार परेशानी भी होती है, लेकिन इस तकनीक के आने के बाद यात्रियों को पहले की तुलना में अब ज्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा यहां ये सवाल भी खड़ा होता है कि इस तरह की ट्रेनें कैसे काम करती हैं। इस बारे में बताते हुए एक अधिकारी ने कहा है कि जैसे ही ट्रेन स्पीड के साथ किसी मोड़ पर मुड़ती है, इसके फिसलने का खतरा रहता है। इससे ट्रेन के भीतर चीजें फिसल सकती हैं। इससे ट्रेन में बैठने वाले यात्री आर्म रेस्ट से चला हुआ महसूस करते हैं और अपना संतुलन खो देते हैं। इन सब को देखते हुए ये तकनीक इजाद की जा रही है। ये झुकने वाली ट्रेनें यात्रियों को इस स्थिति से बचाती, यानी कि इस तकनीक के आने के बाद यात्रियों को ऐसी परेशानी नहीं होगी। बेसिकली यहाँ जो प्रिंसिपल है वो यहाँ सेंट्रली फ्यूगल फोर्स को कम करना है, जो फिजिक्स है बेसिकली। जैसे कि एक झूले पर बैठे लोगों पर सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लगता है, यानी कि वो लोग आउटवर्ड जाने लगते हैं। वही चीज ट्रेन के साथ भी होती है। जब ट्रेन एक कर्व पर मूव करती है तो उसमें बैठे लोग आउटवर्ड जाने लगते हैं, तो उसको कंपोजिट करने के लिए सेंसर लगे होंगे। ट्रेन की बॉडी में सेंसर लगे होंगे और जैसे ही करवाएगा वैसे ही ट्रेन की बॉडी टिल्ट हो जाएगी, वो झुक जाएगी, और इसी तकनीक को टिल्टिंग कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस तकनीक में मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम भी देखी गई है, यानी कि घुमावदार रास्ते पर जब इस तकनीक की टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि करीब 10% लोगों में ऐसी प्रॉब्लम पाई गई है कि उन्हें चक्कर आना, जी मचलाना जैसी चीजें हुई हैं। ऐसे में यह सामने आया है कि ट्रेन जितना ज्यादा टिल्ट होगी यानी कि झुकेगी, मोशन सिकनेस की दिक्कत उतनी ही बढ़ेगी। भारत में इसको कितना काम में लिया जाएगा वो भी तय करना बाकी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे सालों से ऐसी ट्रेनों के संबंध में कई विकल्प को खोजने की कोशिश करती आ रही है, लेकिन कभी भी किसी भी डिटेल्स को अंतिम रूप से नहीं दे दिया गया है। लेकिन अब रेलवे ने इस तकनीक के लिए पेनिश निर्माता टेल्गो के साथ स्विट्जरलैंड सरकार के साथ भी चर्चा की है।
दोस्तों फिलहाल तो इस तरह की ट्रेन 11 देशों में चल रही है। इसमें स्लोवेनिया, फिनलैंड, रूस, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस, चेक गणराज्य, जर्मनी, रोमानिया और चीन शामिल हैं। वहीं भारत स्विट्जरलैंड के सहयोग से ऐसी ट्रेनें विकसित करने जा रहा है। भारत में इस तकनीक का यूज करीब 100 वंदे भारत ट्रेनों में किया जाएगा। ये ट्रेनें 2025-26 तक तैयार भी हो जाएंगी। इस तकनीक को लेकर दोनों देशों के बीच साल 2017 में समझौता किया गया था। भारतीय रेलवे का कहना है कि योजना पर तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों इस तरह की तकनीक रेगुलर ब्रॉड गेज पर यूज ली जाएंगी, यानी ट्रैक को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ ट्रेन की तकनीक में बदलाव किया जाएगा जो वंदे भारत ट्रेन में लगी होगी। दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो यह देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन को पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्लान के तहत बनाया गया है। इस ट्रेन के सभी पार्ट्स स्वदेशी हैं जो कि भारत में ही बनाए गए हैं। वंदे भारत में 16 कोचेज हैं। इस ट्रेन का इंजन सेल्फ प्रोपेल्ड है, इसके दरवाजे ऑटोमेटिक हैं। इसके साथ ही इसमें वातानुकूलित चेयर कार हैं जो घूमने वाली हैं। ये चेयर 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये महज 52 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर सकती है। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय रेलवे साल 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक स्लीपर क्लास वाली स्वदेशी ट्रेनों का नया वर्जन साल 2024 की पहली तिमाही तक आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे अगले कुछ सालों में 75 वंदे भारत ट्रेनों के जरिए 10 से 12 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों के निर्यात के लिए अगले 2 से 3 सालों में प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं एक बार उनका सफलतापूर्वक संचालन होने के बाद वैश्विक बाजारों में हमारे उत्पादों के लिए भरोसा बढ़ जाएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेनें सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में यात्रियों को किसी भी तरह का कोई झटका नहीं लगता है और शोर का स्तर विमान के मुकाबले 100 गुना कम है। दोस्तों अभी तक भारत बाहर से ही ऐसी ट्रेनों को आयात करता आया है, लेकिन अब भारत अपनी कहानी खुद बदल रहा है। वो अब चीजें आयात नहीं बल्कि निर्यात कर रहा है, और वंदे भारत जैसी ट्रेन का निर्यात करना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बस जरूरी है कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखें ताकि वैश्विक बाजार में भारत की वस्तुओं पर भरोसा बना रहे और हम भी उन देशों की लाइन में खड़े हो जाएं जो किसी सेक्टर में अपना दबदबा मानती हैं।